सेंटर ऑफ मास पूरा। जय श्री कृष्णा। तो हम लोग आज मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स हम लोग फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं जो न्यूटन के मरने के बाद आई है, क्योंकि न्यूटन ने लगभग हर ब्रांच में कुछ ना कुछ अपना काम किया था, कुछ ना कुछ उसमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर ब्रांच में कोई ना कोई उन्होंने काम किया था, सही गलत इससे ज्यादा मतलब नहीं रहता था। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली जो है लाइट की जो फोटोन थ्योरी और जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उसके बाद की बात है। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर चार चैप्टर होते हैं जो आईटी के हिसाब से, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर आता है बोर मॉडल, फिर आता है एक्सरे, और चौथा जो आता है वो आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। एक्सरे जो है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। आज के 5 साल पहले 8 साल पहले की एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसके अंदर एक्सरे एक चैप्टर था, पुरानी जो मोटी एनसीईआरटी है, क्या पता कभी किसी ने देखी हो, 8-10 साल पहले की बात है। अब जो एनसीईआरटी आई है उसके अंदर एक्सरे एज ए चैप्टर खत्म हो गया, बस एक्सरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है। तो एक्सरे अब चूंकि अपने चैप्टर में है नहीं तो हम लोग एक्सरे नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे भी तो उसको जब एडवांस की तैयारी करेंगे तो उसके हिसाब से एक्सरे पढ़ेंगे। और वैसे तो मेन एडवांस दोनों में एक्सरे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरे जो है वो जब एडवांस के हिसाब से पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। तो कुल मिला के 3 अपने पास चैप्टर बच रहे हैं जो हमें पढ़ने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा बोर मॉडल जो कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसी में थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू मिलाएंगे हम लोग, और न्यूक्लियर फिजिक्स भी, न्यूक्लियस के बारे में भी केमिस्ट्री में बच्चे पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा या भी नहीं पढ़ा है, न्यूक्लियस के बारे में, रेडियो एक्टिविटी, ये सब अभी नहीं पढ़ा है। तो चलो ठीक है, फिजिक्स में तो मैं पढ़ाऊंगा ही, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में उतना डिटेल में नहीं रहता, फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में ज्यादा रहता है। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली बात तो होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं खास करके एल्कली मेटल्स होते हैं खास करके, जैसे पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया। तो इन मेटल्स के ऊपर अगर हम सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएं, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम गिराएं, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का एमिशन करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं, और इसी घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। लाइट गिराओगे चार्ज निकलेगा, तो लाइट गिराने पे चार्ज निकलेगा, तो इसलिए इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, फिर से मैं एक बार बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं खास करके एल्कली मेटल, सारे मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाए तो ये मेटल्स इलेक्ट्रॉनों का एमिशन करने लगते हैं, और इसी घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी डिस्कवरी की थी हर्ट्ज ने, 1880 के आसपास इसकी डिस्कवरी करी थी। फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो आइंस्टाइन ने किया था फोटॉन की वेव थ्योरी को यूज करके। तो मैं पहले लिख देता हूं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ईयर वही 1880 या 1881 के आसपास था, गांधी जी के जन्म के आसपास था, तो खैर उससे मतलब नहीं, ईयर पूछा भी नहीं जाता। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। घटना क्या है, घटना में लिख देता हूं, सर्टेन मेटल्स, नोट भी करते जाइए आप लोग, सर्टेन मेटल्स व्हेन इल्यूमिनेटेड, सर्टेन मेटल्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मेटल्स विल इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी एमिट इलेक्ट्रॉन्स। सर्टेन मेटल्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी एमिट इलेक्ट्रॉन्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो
कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर हम सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएं तो ये जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करने लगते हैं और इसी घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हर्ट्ज ने डिस्कवरी करी थी इसकी। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इससे जुड़ी हुई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो कहानी भी यहां पर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जब कभी आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाया होगा तो उस समय मैंने आपको बताया होगा, फिर से वो कहानी मैं रिपीट करता हूं। जैसे लाइट की, जब लाइट के बारे में लोगों ने सीखा पढ़ा तो सबसे पहले लाइट की जो थ्योरी दी गई थी, लाइट की थ्योरी, वो न्यूटन ने दी थी, और न्यूटन की थ्योरी का नाम क्या था किसी को याद है? कॉर्पस्क्युलर थ्योरी। न्यूटन की जो थ्योरी थी कॉर्पस्क्युलर थ्योरी लाइट की थी, वो पार्टिकल थ्योरी थी। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना था और पार्टिकल मान करके लाइट के जो अलग अलग फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। तो लेकिन जो न्यूटन की कॉर्पस्क्युलर थ्योरी थी ये पूरी तरह फेल हो गई थी ना, तो मतलब ये सिर्फ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाई थी। लाइट के जो इफेक्ट उस समय जानकारी में थे वो कौन कौन से थे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो न्यूटन की कॉर्पस्क्युलर थ्योरी जो थी या पार्टिकल थ्योरी कहते हैं हम लोग उसको, वो लाइट के रिफ्लेक्शन के अलावा किसी भी फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और उसी समय न्यूटन के कंटेम्प्रेरी थे, उन्हीं के आसपास के थे, हाइजन नाम था, ह्यूजन भी बोलते हैं हम लोग, जो हाइजन थे उन्होंने लाइट की वेव थ्योरी दी थी। तो लाइट की जो वेव थ्योरी थी वो लाइट की वेव थ्योरी एकदम सही थी, जो कॉर्पस्क्युलर थ्योरी थी वो एकदम गलत थी, लेकिन चूंकि न्यूटन ने दी थी। अच्छा, न्यूटन का उस समय दर्जा जो था वो साइंटिफिक कम्युनिटी में भगवान का दर्जा हो गया था, बहुत बड़ा नाम हो गया था न्यूटन का। तो न्यूटन ने वो थ्योरी दी थी तो कॉर्पस्क्युलर थ्योरी पे काफी काम चलता रहा, लोग सोचते रहे कि भाई न्यूटन ने दी है तो सही होगी, हम लोग हमारे समझने में गलती होगी या न्यूटन के समझाने में गलती होगी, लेकिन न्यूटन की थ्योरी है तो सही है। तो और हाइजन की जो वेव थ्योरी थी वो एकदम सही थी, लेकिन वो थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। हाइजन के मरने के 100 या 150 सालों बाद किसी ने उनकी थ्योरी को निकाल के देखा तो पता चला कि ये थ्योरी पूरी तरह सही है और वो लाइट के हर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही थी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, जितने भी फिनोमेना थे सबके सब एक्सप्लेन हो रहे थे। और ये फिर जब हाइजन की वेव थ्योरी को लोगों ने ध्यान से देखा तो ये क्लियर हो गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है बल्कि लाइट वेव है, ठीक है। तो हाइजन की वेव थ्योरी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि लाइट वेव है और लोगों ने अच्छी तरह से ये मान लिया कि लाइट एक वेव होती है, लाइट पार्टिकल नहीं है। ये कहानी चलती रही, इस कहानी के अंदर ट्विस्ट आया, सस्पेंस आया उस समय जब ये फिनोमिना डिस्कवर हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब डिस्कवरी हुई तो इस फिनोमिना को लाइट की वेव थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई। तो लाइट की वेव थ्योरी की मदद से जब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो ये वेव थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन बिल्कुल कर ही नहीं पाई ये थ्योरी, मतलब पूरी तरह से फेल हो गई लाइट की वेव थ्योरी। और लाइट की वेव थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो जो घटनाएं हुई थी एक भी घटना सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो लाइट की वेव थ्योरी फेल हो गई। अब लोगों के दिमाग में अब आया कि भाई बहुत सालों से लोग ये मानते आ रहे थे कि लाइट वेव है, वेव के हिसाब से हर घटना को एक्सप्लेन किया जा रहा था, लेकिन जब ये वेव थ्योरी फेल हो गई तो फिर लोगों के अंदर एक संकट आ गया कि ये समस्या पैदा हो गई कि भाई लाइट वास्तव में क्या है। तो फिर 1900 के आसपास जो है वो आइंस्टाइन आए और उन्होंने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो लाइट को पार्टिकल नेचर माना जाता है, फोटोन थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट करी जाती है और बाकी जो फिनोमिना एक्सप्लेन किए जाते हैं वो लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन किए जाते हैं। यानी जब आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेन करना है तो आप लाइट को क्या मानोगे? वेव मानोगे, ऐसे चलती हुई वेव मानोगे। और जब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है तो आप लाइट को क्या मानोगे? पार्टिकल मानोगे या फोटोन मानोगे। अब सच में लाइट क्या है, वास्तव में क्या है, इसका क्या जवाब है? भाई 4-5 फिनोमिना वेव से एक्सप्लेन होते हैं, बाकी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो वास्तव में लाइट क्या है, सच में लाइट जो है वो क्या है, वेव है या पार्टिकल है? तो अब बीच में फिर बीच में डी ब्रॉग्ली आए। डी ब्रॉग्ली ने कहा था चलो थोड़ा बीच का रास्ता निकालते हैं, जैसे होता है ना हम लोग दुकान पे सामान लेते हैं तो वो 1000 बोलता है तो हम 700 बोलते हैं, तो कहता है कि चलो ना तुम्हारी हमारी 900, तो हम कहते हैं चलो ना तुम्हारी हमारी 800, इस टाइप से होता है ना थोड़ी देर। तो डी ब्रॉग्ली ने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है ये छोड़ो, जितने पार्टिकल होते हैं वो सब भी वेव होते हैं, यानी हर पार्टिकल जो होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है सही अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेज में, और वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करते, ड्यूअल नेचर आ गया।
और वास्तव में लाइट क्या है, इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। आइंस्टाइन जो है वो अपने मतलब लास्ट के टाइम में एक यूनिफाइड थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ये बताती कि लाइट वास्तव में क्या है, लेकिन आइंस्टाइन चले गए और उनके साथ उनकी थ्योरी भी चली गई। मतलब अभी तक ये वास्तव में क्लियर नहीं हो पाया है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। जो बच्चा आईटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, जब जैसे जरूरत पड़े ठीक है उस हिसाब से लाइट को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये तो इसकी कहानी हो गई। अब ये इसमें क्या है कि लाइट ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन जो आइंस्टाइन ने किया था फोटोन थ्योरी को एक्सप्लेन करके, फोटोन थ्योरी को यूज करके इसको एक्सप्लेन किया था। तो अब हम लाइट की फोटोन थ्योरी लिखने जा रहे हैं, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की फोटोन थ्योरी। ठीक है, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, इसी फोटोन थ्योरी का इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। फोटोन थ्योरी क्या होती है मैं बता दूं, फोटोन थ्योरी का पहला पॉइंट ये होता है कि जैसे हम ये मानते हैं कि जैसे मान लो लाइट चल रही है, लाइट इस तरह से मान लो ट्रेवल कर रही है, तो लाइट अगर इस तरह से ट्रेवल कर रही है तो हम अभी तक ये मतलब वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट की जो एनर्जी है वो हर जगह बराबर होगी। यहां देखोगे तो यहां भी एनर्जी मिलेगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह एनर्जी अवेलेबल होगी। एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करती है, लगातार बहती है। फोटोन थ्योरी ने इस बात को रोका और फोटोन थ्योरी ने कहा ऐसा नहीं होता है, लाइट की जो एनर्जी है वो लगातार नहीं बहती है, बल्कि इसकी जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करती है और उन्हीं पैकेट्स को इन्होंने नाम दिया था फोटोन। फोटोन थ्योरी ये कहती कि जैसे वेव थ्योरी के हिसाब से तो एनर्जी लगातार बहती जा रही है, फोटोन थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स में ट्रेवल करती है और उन बंडल्स को हम लोग फोटोन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो यही कहती है कि लाइट ट्रेवल्स, अरे साथ साथ लिखते जाएंगे, लाइट ट्रेवल्स इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट ट्रेवल्स इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट के रूप में लाइट ट्रेवल करती है और उन पैकेट को हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। एनर्जी के पैकेट होते हैं और उन पैकेट को फोटॉन के नाम से जाना जाता है। इसको समझाया कैसे गया है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं। फोटोन थ्योरी और वेव थ्योरी के अंदर जो डिफरेंस है उसको समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे सपोज करिए कि कोई माली है, उसको अपने पेड़ पौधों की सिंचाई करनी, मान लो ये कोई पेड़ है और माली इसकी सिंचाई कर रहा है, या जैसे आप भी अपने घरों में पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी सिंचाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि नल से पाइप लगा देते हैं और उसके बाद पाइप को पकड़ लेते हैं और पाइप जो होती है उससे पानी निकल के जाता है, पेड़ पे गिरता है, ये करते हैं। और अगर आपको पानी की स्पीड बढ़ानी तो क्या करते हैं, पाइप को हल्का सा ऐसे दबा देंगे तो पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यही आप काम करते हैं। तो इसी तरह से नॉर्मल तरीके से पेड़ पौधों की सिंचाई होती है। अब इसमें पानी लगातार इस पेड़ के ऊपर जाके ऐसे लगातार गिर रहा है, ये हो गई वेव थ्योरी। एक दिन माली ये डिसाइड करता है कि वो ऐसे सिंचाई नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जो पानी है उसको बाल्टी में भर लेगा और बाल्टी में भरने के बाद उसके छोटे छोटे गुब्बारे बना लेगा। जैसे होली में नहीं हम लोग गुब्बारे बनाते हैं, गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर मारते रहते, लगता किसी को नहीं है लेकिन मारते हैं ना गुब्बारे बना बना के। तो माली क्या करता है, एक दिन पानी के बहुत सारे गुब्बारे या पैकेट बना लेता है और वो क्या करता है, एक एक गुब्बारा फेंकता है। तो एक गुब्बारा जब इसके ऊपर गिरेगा तो फटेगा, तो एकदम से खूब सारा पानी इसको मिलेगा, फिर कुछ देर तक कुछ नहीं मिलेगा, फिर दूसरा गुब्बारा गिरेगा फिर फटेगा, खूब एक साथ ढेर सारा इसको पानी मिलेगा, फिर कुछ देर तक कुछ पानी नहीं मिलेगा, फिर तीसरा फटेगा। तो फोटोन थ्योरी जो कहती है वो यही कहती है कि पैकेट के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही है। वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी लगातार ट्रेवल कर रही है, लगातार ऐसे एनर्जी जा रही है, ये वेव थ्योरी है। और फोटोन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करे, छोटे छोटे पैकेट है बंडल से उसके फॉर्म में ट्रेवल करे, डिस्क्रीट पैकेट। डिस्क्रीट का मतलब यहां पर होता है कि अलग अलग डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो ये फोटोन थ्योरी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए, किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करें, ये मत सोचे कि रिकॉर्डिंग हो रही तो आप डाउट नहीं पूछ सकते या ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बात करें, वो जो रिकॉर्डिंग में एडिटिंग करेंगे उनका काम है ये। ठीक है, तो डाउट हो तो डिस्कस करते चले, रिलैक्स मोड में एकदम हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये फोटोन थ्योरी लाइट की हो गई, इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइट जो होती है
सॉरी जो फोटॉन्स होते हैं ये लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, यानी फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो 3×10⁸ के बराबर होती है। तो ये मैं लिख देता हूं, ईच फोटोन ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 3×10⁸ meters per second. Each photon travels with velocity 3×10⁸ meters per second in vacuum. Vacuum के अंदर हर photon जो है वो 3×10⁸ meter per second की velocity से travel करता है। ठीक है, और कुछ बताएं फोटोन के बारे में? आप लोगों को भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है। फोटोन की कुछ और प्रॉपर्टी बताएं। कोई प्रॉपर्टी बताएं फोटोन की? फोटोन की वेलोसिटी होती है, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है किसी को पता है? एनर्जी तो सबको पता होगी, कितनी होती है फोटोन की एनर्जी? hc/λ। नहीं पढ़ा गया? कहीं ना कहीं तो बच्चा पढ़ ही लेता है, मैंने देखा है केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो हर फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो hc/λ के बराबर होती है। ईच फोटोन हैज एनर्जी गिवन बाय ईच फोटोन हैज एनर्जी गिवन बाय hc/λ। हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hc/λ से दी जाती है। ठीक है, ईच फोटोन हैज एनर्जी गिवन बाय hc/λ। ध्यान रहे, इस चैप्टर के बारे में मैं बार बार बच्चों से बोलता हूं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपसे बोला था, कई बार बोला था कि ये डायरेक्शन का चैप्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप डायरेक्शन पे ध्यान देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आप सीख जाएंगे। उसी तरह से जो मॉडर्न फिजिक्स है ये कैलकुलेशन का चैप्टर है, इसके अंदर बहुत आसान होता है ये, अगर अब लेकिन इसके कैलकुलेशन इतने गंदे होते हैं कि बच्चों से अब अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और फिर धीरे धीरे बच्चों को लगता है कि चैप्टर आता ही नहीं उनको, जबकि इसके फार्मूले डेफिनेशन या थ्योरी बहुत आसान होती है। कैलकुलेशन बहुत गंदा होता है, खराब होता है। अब एच की वैल्यू 6.6×10⁻³⁴ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, सी आ रहा है, तो ऐसे करके मतलब कैलकुलेशन इसमें खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है, कई बार ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो उस कंडीशन में हम hc की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों? अगर मान लो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है और hc की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो लैम्डा नीचे आएगा, एंगस्ट्रॉम से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जो बचेगा वो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6×10⁻¹⁹। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6×10⁻¹⁹ के बराबर होता है। तो खैर, हर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। चौथा इसके अंदर पॉइंट है, ईच फोटोन हैज मोमेंटम गिवन बाय p=h/λ। जितने भी फोटोन है इन सब का जो मोमेंटम है वो h/λ से दिया जाता है। हर फोटोन का मोमेंटम जो होता है वो h/λ से दिया जाता है। हर फोटोन का मोमेंटम h/λ होता है। इसका क्या मतलब है? फोटोन का मोमेंटम है तो जिसके पास मोमेंटम होगा तो फिर वो फोर्स भी लगाएगा। तो जैसे मान लो कि कोई टॉर्च, लाइट की एक टॉर्च मेरे ऊपर ऐसे आके बीम गिरी तो वो बीम मेरे ऊपर फोर्स लगाती है। अब अलग बात है कि फोर्स इतना कम होता है कि मुझे महसूस नहीं होता है, लेकिन वास्तव में जितनी भी, जैसे ये ट्यूबलाइट है इससे लाइट निकल के जा रही है, दीवार पे गिर रही है, तो दीवार के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स काफी कम होता है, इतना कम होता है कि हमें महसूस नहीं होता है। अब जैसे फ्यूचर में जो वॉर्स होते हैं उनके अंदर ऐसी गन बनाने का इमेजिनेशन है कि ऐसी गन बना देंगे कि वो लाइट जो बीम आएगी वो इतनी ज्यादा मतलब पावरफुल होगी कि आदमी को उसी गन से ही चोट लग जाएगी, मतलब गन ही उसके ऊपर फोर्स लगा देगी। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन यह है कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है, फोटोन जिस भी बॉडी पे गिरता है उस पर फोर्स लगाता है। फोर्स बहुत कम होता है, निकालेंगे भी हम लोग, आपको सिखाएंगे निकालना। उस फोर्स की वैल्यू आती है 2IA/c।
जहां आई इंटेंसिटी होती है, ए जो है एरिया होता है सरफेस का, और सी लाइट की वेलोसिटी होती है। क्योंकि नीचे सी आता है तो फोर्स बहुत कम हो जाता है। तो कहने का मतलब हर फोटोन के पास मोमेंटम होता है और मोमेंटम की वैल्यू एच बाई लैम्डा होती है। एक और इसके अंदर मजेदार बात होती है कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। अब रेस्ट मास जीरो होने का मतलब यह है, आप इसको सफील ऐसे कर सकते हो कि रेस्ट मास जीरो होने का मतलब है कि फोटोन रेस्ट में होता है। लाइट रेस्ट में हो सकती है क्या? रेस्ट में तो नहीं होगी ना, लाइट होगी तो चलेगी, नहीं तो वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में अंदर स्टोर रहेगी। अगर होगी तो वो रेस्ट में नहीं होगी। तो हम इस चीज को ऐसे बोलते हैं, ऐसे समझते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, या हम कह सकते हैं कि रेस्ट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोलने का तरीका है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, फोटोन का जो रेस्ट मास है वो जीरो के बराबर होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ठीक है। तो ये जो है वो फोटोन थ्योरी थी, और इसी थ्योरी का यूज करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था तो इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टाइन को नोबेल, आइंस्टाइन की सबसे बड़ी थ्योरी कौन सी थी आपको पता है? जिसके लिए आइंस्टाइन जाने जाते हैं, जिसके लिए उनको मतलब ईश्वर का दर्जा मिला था, होता है ना फिजिक्स में गॉड माने जाते हैं, तो वो किस, कौन सी थ्योरी थी वो? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल नहीं मिला था। आइंस्टाइन को नोबेल जो मिला था वो इसके लिए मिला था। उसकी भी कहानी है। कहानी यह है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी कठिन थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये थ्योरी जो है वो मतलब भाई सही है या गलत है। इसका फैसला तो तब होगा ना जब आपको, आप जाके चाइनीज में बात करने लगे मुझसे तो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बता पाऊंगा, पहले तो मुझे बात समझनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग उसको समझ ही नहीं पाए। दूसरी थ्योरी उसके अंदर ये दी जाती है कि जो नोबेल कमेटी के मेंबर्स थे उनका आइंस्टाइन से कुछ वो चल रहा था, मतलब झगड़ा टाइप का चल रहा था या कुछ जो भी बात थी। आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है। इनफैक्ट जो नोबेल कमेटी है उसने ये एक्सेप्ट भी किया है, अपनी गलती भी मानी है कि गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला है कभी, और आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए नोबेल नहीं, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल नहीं मिला है। नोबेल कमेटी ने बकायदा लेटर लिख के ये बताया भी कि उनसे दो बार गलती हुई है। एक तो गांधी जी को दिया था पीस प्राइज, भाई गांधी जी से बड़ा कौन वो होगा पीस के लिए। खैर, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके लिए जो फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था 1905 के आसपास। खैर, तो ये फोटोन थ्योरी है। अब इसी को यूज करके उन्होंने अपना बनाया था। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन में देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करें आप फोटोन थ्योरी से जुड़े हुए। द फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 5000 angstrom. Find the energy of a photon having wavelength 5000 angstrom. 5000 angstrom wavelength energy बताओ। Solution देखिए इसका। हमें photon की energy चाहिए और photon का wavelength हमें दिया हुआ है। तो किसी भी photon की जो energy होती है वो किसके बराबर होती है? hc by lambda। अब lambda angstrom में दिया हुआ है और hc की value अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच सी की जगह मैं लिखूंगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और लेमडा इन्होंने दिया है 5000 angstrom। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम चला जाएगा, दो जीरो पहले से जाने के लिए तैयार बैठे, एक और चला गया और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, अगला क्वेश्चन जो बनता है ये लिखे फाइंड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, फोटोन का मोमेंटम बताएं। ये जो है इसमें ये जो फोटोन है इसका मोमेंटम आप बताएं, मोमेंटम कितना होगा इसका? तो देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका मोमेंटम हमें निकालना है। तो इसका मोमेंटम किसके बराबर आएगा? कितना आया था आप लोगों का? 1.325 into -37 यूनिट
चलिए, तो P इज इक्वल टू होता है H बाई लेमडा। P H बाई लेमडा के बराबर है, H की वैल्यू, अब चूंकि मोमेंटम है तो हमें मोमेंटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा नहीं, वो तो SI यूनिट में होगा, तो हमें इसको प्रॉपर SI यूनिट में रखना पड़ेगा। तो H की वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन लेमडा कितना था 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में था, तो हम इसको तो MKS में लेके चलेंगे, तो सब कुछ हम MKS के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6.6 अपॉन 5 इंटू 6.6 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 34 माइनस 7, 34 माइनस 7 कितना हो जाएगा 27 यह आ जाएगा, या और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लें इसे, ये इसका इसकी वैल्यू आ गई। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, इसको क्लीन कर लो बढ़िया से। एक और मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं आप लोगों को बोर्ड क्लीन करने के बाद। देखिए सवाल बड़ा मजेदार है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है और चार्ज माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता ही है और मास m के बराबर है, और एक कोई फोटोन है जो इसकी तरफ आ रहा है, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है और ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है और इलेक्ट्रॉन इसको पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए फोटोन स्ट्राइक्स द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, फोटोन स्ट्राइक्स द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड, फोटोन स्ट्राइक्स द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, फोटोन स्ट्राइक्स द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द इवेंट। सवाल क्या है, सवाल समझ लीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन इससे आगे टकराता है और टकराने के बाद इस फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, समा जाता है। ठीक है, एनर्जी है, एब्जॉर्ब की जा सकती है, तो ये फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब इस घटना के बाद, ये जो घटना हो रही है उसके बाद आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसको टक्कर मारता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोन को, तो इस घटना के बाद फोटोन की स्पीड बतानी है आपको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये फोटोन जो है ये जाकर के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार रहा है और टक्कर मारने के बाद हम ये मान लेते हैं कि इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई मान लेते हैं, मास इसका m ही रहा। तो अब जैसे कोई भी कोलिजन हो रहा है तो उसके अंदर एनर्जी मोमेंटम तो हम कंजर्व कराएंगे ही, तो जितनी इसके पास एनर्जी थी इस पूरे सिस्टम के पास उतनी इसकी फाइनल एनर्जी होगी। शुरू में फोटोन के पास एनर्जी कितनी थी, फोटोन के पास अगर शुरू में एनर्जी देखी जाए तो कितनी थी एच सी बाई लैम्डा, और अब ये एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, जो एनर्जी आएगी वो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगी और ये हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एक बात ये आ गई, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। दूसरा मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो मोमेंटम कितना होगा इसका, इसका मोमेंटम कितना होगा, अभी बताया था ना हर फोटोन का मोमेंटम कितना होता है एच बाई लैम्डा, तो मोमेंटम अगर कंजर्व रह गए एच बाई लैम्डा किसके बराबर जाएगा, इनिशियल मोमेंटम एच बाई लैम्डा है, फाइनल एम बी आ जाएगा।
ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h बाई लेमडा की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, तो एम वी इंटू सी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी इंटू सी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एक वी से एक वी चला जाएगा, एम से एम चला जाएगा, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू टू सी आ गई। तो यानी कि टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट की डबल वेलोसिटी से चलेगा। हा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज लाइट की वेलोसिटी से भी तेज चले? नहीं पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई भी चीज जो है वो लाइट की वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से चले, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली सवाल नहीं है, मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि ये फोटोन, ये जो भी फोटोन है, ये जाके इससे टकराएगा, और टकरा के अगर ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो इसकी वेलोसिटी लाइट की डबल आ जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो हम इनडायरेक्टली इस बात को ये बोल सकते हैं कि कोई भी फोटोन जो है उसको इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है। अगर पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो फिजिक्स के नियम टूटेंगे। फिजिक्स के नियम यही है कि कोई भी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से अधिक नहीं हो सकती है। तो अगर पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तब ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर एनर्जी मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के पास, फोटोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो वो सारी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को पूरी पूरी 5 की 5 नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ एनर्जी का इधर उधर लॉस होगा, कहीं ना कहीं जाएगी। या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, कभी मान लो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये बात समझ गए? तो इस बात को मैं एक स्टेटमेंट के तौर पर नोट कर दे रहा हूं। एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, An isolated electron cannot absorb. An isolated electron cannot absorb a complete photon. एक isolated electron, अगर कोई isolated है electron, तो किसी complete photon को absorb नहीं कर सकता है। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के नॉट एब्सॉर्ब कंप्लीट फोटोन। ठीक है, अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ बातें और आएंगी। ठीक है, कुछ और बातें आएंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बार बार यहां पर एक टर्म आता है, इंटेंसिटी ऑफ ए बीम या पावर ऑफ ए बीम। कोई भी लाइट बीम है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी या उसकी पावर क्या होगी, तो उस बारे में हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ ए बीम। ठीक है, मान लो कि एक लाइट बीम जा रही है ऐसे, तो लाइट बीम ऐसे जा रही है, हमने टॉर्च जलाई, उससे रोशनी जो है वो निकल करके जा रही है। तो अगर लाइट बीम इस तरह से जा रही है, तो इस लाइट बीम, ये जो भी लाइट बीम है, इससे पर सेकेंड, एक सेकेंड में इसके क्रॉस सेक्शन से जितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। वैसे भी पावर क्या होता था? रेट ऑफ वर्क था। यहां पर पावर का मतलब है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में बीम से जो भी एनर्जी फ्लो करके जा रही है, उसे हम लोग पावर ऑफ ए बीम कहेंगे। बीम के पावर को हम लोग पी से दिखाते हैं, और हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ ए बीम इज द एनर्जी फ्लो, इज द एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम। किसी बीम का पावर जो है वो यूनिट टाइम में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, उसे हम बीम का पावर कहते हैं। पावर ऑफ द बीम इज द एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम। पावर ऑफ ए बीम इज द एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो एनर्जी का फ्लो होता है, उसे हम बीम का पावर कहते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका? जूल पर सेकंड या वाट, जो यूनिट होगा। पावर का यूनिट क्या होता था? जूल पर सेकंड होता था या वाट होता था, यही उसका यूनिट है। स्केलर क्वांटिटी है। एक सेकंड में मान लो 10 जूल एनर्जी यहां से बह गई, तो इसका पावर 10 होगा, मतलब एनर्जी यूनिट पर सेकंड। अब उसके बाद एक दूसरा टर्म यहां पर आता है जो कि बार बार यूज होता है, इंटेंसिटी ऑफ ए बीम। इंटेंसिटी ऑफ ए बीम
इंटेंसिटी ऑफ बीम, इसको आई से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी बीम है तो उसकी इंटेंसिटी को हम लोग आई से दिखाते हैं, और इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली, इंटेंसिटी जो है वो ध्यान से समझिएगा, जैसे पावर क्या था, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी जो है इस बीम से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो एनर्जी फ्लो करती है उसे हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे पावर क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। तो लिखें एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी फ्लो करती है उसे हम लोग इंटेंसिटी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा बताएं, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं ना, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो लिख देते हैं यूनिट, लिख देते हैं इसका, मैं यूनिट लिख दे रहा हूं, यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर है या जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी जो है वो पावर अपॉन एरिया होगी, हम्म, पावर क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी और पावर में ये रिलेशन भी आ गया, ठीक है, आई इज इक्वल टू पी अपॉन ए, ये एक रिलेशन आ गया, नोट कर लें। तो किसी बीम का पावर आ गया, किसी बीम की इंटेंसिटी आ गई, बीम का पावर आपको पता चल गया, बीम की इंटेंसिटी पता चल गई। अब हम इस किसी पॉइंट सोर्स का की इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट सोर्स, समझिएगा इन बातों को, इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट सोर्स। पहली बात तो हम ये समझें कि ये पॉइंट सोर्स क्या होता है, किस चीज को हम लोग पॉइंट सोर्स कह सकते हैं, पॉइंट सोर्स हम लोग किस चीज को बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पॉइंट सोर्स क्या होगा तो क्या बताएंगे आप, नहीं तो पॉइंट सोर्स बोलना, फिर सोर्स ही बोल सकते हैं ना, पॉइंट सोर्स बोलने की क्या जरूरत है। पॉइंट सोर्स बेसिकली ऐसा सोर्स कहा जाता है विच एमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में बराबर से एमिट करे, जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है इधर 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 इधर, सब जगह से बराबर एमिट करे, जैसे इस कमरे के बीचों बीच एक बल्ब लटका दिया जाए, स्फेरिकल टाइप का बल्ब होता है लटका दिया जाए, तो जैसे ये ट्यूबलाइट पॉइंट सोर्स नहीं है, ट्यूबलाइट लाइन सोर्स कही जाएगी, ये हर डायरेक्शन में बराबर से एमिट नहीं कर रही। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं पॉइंट सोर्स नहीं हूं क्योंकि मेरी आवाज आगे ज्यादा जा रही है, वो अलग बात है कि टकरा टुकरू के हवा से पीछे भी आ जा रही होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं खुले मैदान में बोलूंगा जहां पे कोई टकरा दीवार वीवार नहीं है तो मेरी आवाज आगे ही आगे जाएगी, पीछे थोड़ी बहुत भले चली जाए, तो मैं पॉइंट सोर्स नहीं हूं। सूरज एक पॉइंट सोर्स है, सन एक पॉइंट सोर्स है, कैसे पॉइंट सोर्स हुआ, हर डायरेक्शन में बराबर से एमिट कर रहा है, उसके लिए हर दिशा एक जैसी है, तो पॉइंट सोर्स हम ऐसे सोर्स को बोलते हैं विच एमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट सोर्स एमिट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, पॉइंट सोर्स एमिट्स इक्वली ऑन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में बराबर से एमिट करता है, ठीक है। अब ये पॉइंट सोर्स जो है ये हर डायरेक्शन में बराबर से एमिट करता है, अब इस पॉइंट सोर्स के बारे में कुछ बातें मैं और करने जा रहा हूं, ठीक है, ये एक जनरल बात है जो कि रेडिएशन में भी काम आएगी, इस चैप्टर में भी काम आएगी और साउंड वेव के अंदर भी काम आएगी। ये जो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी का जो मैंने, इंटेंसिटी साउंड वेव की भी होती है, इंटेंसिटी जो है पावर साउंड वेव का भी होता है, तो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी को मैं अब समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला बनाने जा रहा हूं। सपोज करिए ये एक पॉइंट सोर्स है, ये साउंड का भी सोर्स हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, जो कि हर डायरेक्शन में बराबर से एमिट कर रहा है, और हम यहां पर एक टर्म लिखने जा रहे हैं,
पी नॉट, पी नॉट यहां पर है पावर ऑफ सोर्स, जो सोर्स है वो पर सेकंड जितनी एनर्जी निकाल रहा है उसे हम पावर पी नॉट बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी सोर्स होगा पर सेकंड जो एनर्जी निकालता है उसको पी नॉट है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, इस सोर्स को सेंटर मानते हुए एक आर रेडियस का स्पीयर एज्यूम कर रहा हूं, सच में कोई ऐसा स्पीयर नहीं है, मैं इस सोर्स को सेंटर मानते हुए एक आर रेडियस का मैंने स्पीयर यानी गोला, सर्कल नहीं गोला एक एज्यूम किया मैंने। तो अब देखिए ये पॉइंट सोर्स लगातार एनर्जी निकाल रहा है, अब पॉइंट सोर्स लगातार एनर्जी निकाल रहा है तो ये जो मैंने गोला एज्यूम किया है इमेजिनरी एक मैंने स्पीयर एज्यूम किया है, इस इमेजिनरी स्पीयर से लाइट बाहर की तरफ निकल रही होगी, जो इमेजिनरी स्फीयर है इससे लाइट बाहर की तरफ निकल रही होगी। और चूंकि यहां कहीं कोई एनर्जी का स्टोरेज नहीं हो रहा है तो पर सेकंड जितनी एनर्जी यहां से पैदा हो रही है उतनी ही एनर्जी इस गोले से बाहर निकल रही होगी। तो अब गोले का सरफेस एरिया कितना है, 4πr2। तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, इस सोर्स का पावर पी नॉट था, पर सेकंड पी नॉट एनर्जी निकाल रहा था, जितनी एनर्जी यहां से निकल रही उतनी एनर्जी इस गोले से बाहर भी निकल रही होगी, क्योंकि यहां कोई एनर्जी इकट्ठा नहीं हो रही है, स्टोरेज नहीं हो रहा है, तो जो पर सेकंड यहां से प्रोड्यूस हो रही वही एनर्जी इस इमेजिनरी गोले से बाहर निकल रही होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4πr2 एरिया से पर सेकंड जो एनर्जी जा रही है वो पी नॉट जा रही है। तो यूनिट एरिया से पर सेकंड जो एनर्जी जाएगी वो कितनी जाएगी, पी नॉट अपॉन 4πr2। और पर सेकंड जो एनर्जी जाती है यूनिट एरिया से उसका नाम क्या है, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, पी नॉट अपॉन 4πr2। तो किसी भी पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो पी नॉट अपॉन 4πr2 के बराबर होती है। कोई भी पॉइंट सोर्स होगा तो उसकी इंटेंसिटी पी नॉट अपॉन 4πr2 के बराबर आएगी। तो इंटेंसिटी आगे पी नॉट अपॉन 4πr2, ये इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई है वो पी नॉट अपॉन 4πr2। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकली समझे, फिजिकली इसका मतलब ये कि इंटेंसिटी जो होती है वो सोर्स से दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सोर्स से जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सोर्स से दूरी अगर आप डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हा? कम, कितनी कम होगी, 4 times 1/4 हो जाएगी। सोर्स से दूरी अगर आपने डबल कर दी तो 2 का square 4 हो जाएगा ना, तो 1/4 हो जाएगी। या सोर्स से दूरी अगर आपने 1/3 कर दी तो इंटेंसिटी 9 गुनी हो जाएगी, r/3 करोगे 3 का square ऊपर चला जाएगा। तो इंटेंसिटी जो होती है पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप मॉडर्न फिजिक्स में भी ये बात काम आ रही है, आपके आएगी ही आएगी, और साउंड वेव के लिए भी ये बात सही है। ये सारी चीजें जो मैंने इंटेंसिटी से जुड़ी हुई बताई हैं ये सब की सब साउंड वेव के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। तो इंटेंसिटी जो होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज को आप ऐसे समझ लें, वैसे यहां तो उतने अच्छे से नहीं फील आएगा, लेकिन जो जैसे कमरा अगर खुला होता तो इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से रियलाइज करते। जैसे मान लो मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, अभी बोल रहा हूं, मेरी कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है आपको, मैंने आप हमारे आप में मान लीजिए कितनी 2 मीटर की डिस्टेंस होगी, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस को 1 मीटर कर लिया और बोलना शुरू किया, तो अब आपको जो सुनाई पड़ेगा काफी ज्यादा सुनाई पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस तो आधी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा सुनाई पड़ेगा। और मान लो कि मैं ऐसे करते करते एकदम जाके आपके कान में बिल्कुल ऐसे कहके और कान में बोलने लगूं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, कान के पर्दे फट जाएंगे, हाँ, एकदम इसी वॉल्यूम से जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही मैं जाके कान में बोलने लगा तो आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। जैसे कई बार कुछ लोगों की आदत भी होती है, पार्टी वार्टी में या कहीं मिलते हैं तो कहते हैं आ जाओ एक बात बताते हैं, कोने में ले जाएंगे और जोर से कान में बोलेंगे, ठीक है, तो उसमें वही होता है, तुरंत मुझे ये फील आती है कि आर 0 हो गया है या आर बहुत कम हो गया है। तो आर कम होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। सूरज की जो चमक है वो हमें कम इसीलिए लगती है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। अगर सूरज के आसपास हम पहुंच जाएं या डिस्टेंस को कम कर दें तो सन तो बहुत ज्यादा इंटेंस है, वहां तो लोहा भी वेपर स्टेट में रहता है, लेकिन फिर भी हमें उसकी चमक कम लगती है या उसका ताप जो है वो महसूस नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि आर बहुत ज्यादा है। तो इंटेंसिटी जो होती है 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी की कहानी रही। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि जैसे कोई बीम मान लीजिए ट्रेवल कर रही है, कोई भी लाइट की बीम ट्रेवल कर रही है, तो उस बीम से पर सेकंड कितने फोटोन जा रहे हैं, फोटोनों की संख्या, ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल बनते हैं। तो मैं ये बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड फ्रॉम ए बीम,
किसी भी बीम से एक सेकंड में जितने फोटोन जा रहे हैं उनकी संख्या। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला बनाने जा रहा हूं मैं। सपोज करें कि ये एक बीम है और ये बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये बीम लाइट जो है सी वेलोसिटी से जा रही, बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और बीम की इंटेंसिटी आई है, ठीक है। तो अब जैसे मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन पे खड़ा हो जाता हूं, मान लो यहां से यहां खड़ा हो जाता हूं, तो यहां से पर सेकंड जो एनर्जी जा रही है, एक सेकंड में जो एनर्जी जा रही है उसे हम बीम का पावर कहते हैं। तो कुल एनर्जी यहां से जो जा रही है वो पी के बराबर है। एक फोटॉन के पास एनर्जी कितनी है, एचसी बाई लेमडा। तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे वो पी अपॉन एचसी बाई लेमडा हो जाएंगे। फिर से समझिए, कुल जो एनर्जी जा रही है एक सेकंड में वो इतनी है, और एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो पी अपॉन एचसी बाई लेमडा हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में कुल 100 एप्पल है, कुल 100 एप्पल है और हर बच्चे के पास दो दो एप्पल है, तो कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। सवाल क्या है, 100 सेब है और हर बच्चे के पास दो दो हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 50। तो वही बोल रहा हूं कि कुल एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी पर सेकंड ये है, और हर फोटॉन के पास इतनी एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ ए फोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन, फोटॉनों की संख्या हो जाएगी। अब पी की जगह मैं लिख सकता हूं, पी को मैं लिख सकता हूं आई इंटू ए। अभी बताया था पावर जो होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, लैम्डा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो आता है वो आता है आई ए लैम्डा अपॉन एचसी के बराबर। जो भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है वो आई ए लैम्डा अपॉन एचसी के बराबर आ जाएंगे। याद रखना है, नंबर ऑफ फोटॉन जो पर सेकंड किसी भी बीम से गुजर रहे हैं उनकी संख्या आई ए लैम्डा अपॉन एचसी के बराबर होती है। जैसे पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी मैंने आपको सिखाई और ये बताया कि बीम से टोटल कितने फोटॉन्स गुजर रहे हैं, उसी तरह से इसके अंदर एक आता है लाइन सोर्स, एक बहुत ही लंबा लाइन सोर्स है, तो उसकी इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ ए लॉन्ग लाइन सोर्स, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ए लॉन्ग लाइन सोर्स। इंटेंसिटी ऑफ ए लॉन्ग लाइन सोर्स, लाइन सोर्स क्या है, लंबा सा लाइन सोर्स मैं आपको समझा दूं। जैसे ट्यूबलाइट आपको दिख रही कमरे के अंदर चल रही, तो एक लाइन सोर्स हो गया। ऐसी बहुत सारी ट्यूबलाइटें लाइन से लगा दी जाएं तो एक लंबा सा लाइन सोर्स हो गया। ऐसा देखते हो कि कोई शादी ब्याह फंक्शन होता है तो उसके अंदर टेंट के अंदर बहुत सारी ट्यूबलाइटें लाइन से लगा दी जाती है, नोटिस करा होगा आप लोगों ने, तो वो बेसिकली एक लंबा सा लाइन सोर्स हो गया। तो लाइन सोर्स मान लेते हैं कि कोई लाइन सोर्स है और इस तरह का लाइन सोर्स है, ठीक है, बहुत सारी एक मतलब लाइन है जो हर डायरेक्शन में बराबर से एमिट कर रही है, और इस लाइन के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस लाइन का मैं लैम्डा लिख रहा हूं, लैम्डा। लाइन के लिए मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा लैम्डा, और लैम्डा का मतलब होगा पावर ऑफ यूनिट लेंथ, पावर ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का पावर, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का जो पावर है उसको मैंने लैम्डा मान लिया, और इस लाइन सोर्स की इंटेंसिटी मैं निकालना चाह रहा हूं। तो लाइन सोर्स की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इमेजिनरी में सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं, एक ऐसे मैंने सिलेंडर एज्यूम किया जो कि इमेजिनरी है, अपनी तरफ से कल्पना कर ली, क्योंकि लाइन की सिमेट्री सिलेंडर से ही बनती है, गॉस लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने। तो लाइन के आसपास मैंने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया। अब जो लाइन सोर्स एनर्जी एमिट कर रहा है वो हर डायरेक्शन में बराबर से जा रही होगी, तो इस सिलेंडर में ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी इस तरह से, ठीक है। अब मैंने माना था एक यूनिट लेंथ का पावर जो है वो लैम्डा के बराबर है। अब इस सिलेंडर यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, एल, तो L लेंथ का पावर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू L। जो L यहां से यहां तक का जो पावर आएगा वो लेमडा इंटू L के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला पावर लेमडा इंटू L के बराबर आ जाएगा। ये जो भी पावर है ये लेमडा इंटू L के बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, जो इसका कर्ड सरफेस है उसी से एनर्जी निकल रही है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2πRL एरिया से जो एनर्जी जा रही है वो लेमडा इंटू L के बराबर जा रही है। हा? कर्ड सरफेस से एनर्जी निकल रही है इसके, तो कर्ड सरफेस यानी 2πRL एरिया से जो एनर्जी जा रही है वो लैम्डा एल जा रही है, तो यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी जाएगी,
लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल, यूनिट एरिया से जो एनर्जी जाएगी वो लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल के बराबर होगा, और यूनिट एरिया से जो एनर्जी जाती है पर सेकेंड उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं, तो इंटेंसिटी हो जाएगी लेमडा अपॉन 2 पाई आर। दिमाग में अगर आप इतना भी रख लें, लेमडा अपॉन 2 पाई आर ना भी याद रहे आपको, अगर आप इतना याद कर लें कि लाइन सोर्स की इंटेंसिटी 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होती है और पॉइंट सोर्स की किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इतना भी रख लेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। मतलब ये एक बात दिमाग में आपको रखनी है कि लाइन सोर्स की वजह से आज तक कोई सवाल आया नहीं है, लाइन सोर्स हम लोग जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से पढ़ा रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं आया लाइन सोर्स पर, लेकिन फिर भी कभी आएगा जरूर। तो आई ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत साल हम लोग पढ़ाते हैं फिर कभी सवाल आ जाता है तो खुशी भी होती है। तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर जो है ये लाइन सोर्स की इंटेंसिटी होती है और पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है।